देखिए क्वेश्चन अभी अपन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1996 में का, और ये क्वेश्चन जो है 15 मार्क का क्वेश्चन आया था, इसकी वेटेज 15 मार्क थी। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्सीलेंट रिक्रिएशन क्लब, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है दोनों डेट्स की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली आपको दे रखा होता है कहाँ कहाँ से पैसा आया, और नीचे कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 95 और 31 मार्च 1996 यानी ओपनिंग और क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज 10% अंडर द डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ये भी कह दिया है। लीगेसीज रिसीव शैल बी कैपिटलाइज, वो तो अगर ये नहीं भी कहता तो लीगेसी जो है वो लाइबिलिटी होती है, हमेशा ध्यान रखना। लीगेसी का मतलब होता है वसीयत। इन्वेस्टमेंट वर मेड इन सिक्योरिटीज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 12% इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा। द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 16, 1 जून को इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, तो 1 जून से लेकर 31 मार्च तक यानी 10 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये का था। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट 31 मार्च एवरी ईयर। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपको वर यूजलेस था और उसको निल प्राइस पर जो है वो वैल्यू किया गया, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो चलिए पेमेंट से अपन, अच्छा यहाँ सब्सक्रिप्शन इन एरिया दे रखा है, सब्सक्रिप्शन एडवांस, फर्नीचर और लैंड, बस यही इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हम पेमेंट्स की बात करते हैं। सेक्रेटरी को सैलरी दी है 12,000 रुपए की, सैलरी टू स्टाफ दी है 25,000 रुपए का, चैरिटी दिया जा रही है, सब खर्चे हैं। प्रिंटिंग है, स्टेशनरी 600 है, पोस्टेज 120 है, रेंट एंड रेट 1500 है, ये सारे खर्चे देखो यहाँ दिखाए गए होंगे, 12,000, 25,000, 1,000, 600, ठीक है। प्रिंटिंग है, स्टेशनरी तक के खर्चे अपने सारे यहाँ आ गए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद पोस्टेज एक्सपेंसेस हैं 120 रुपए का, और पोस्टेज के लिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कुछ दे रखा हो तो हो सकता है कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये रहा पोस्टेज का। रेंट एंड रेट 1500 आपका ये रहा। आगे आपको दे रखा अपकीप ऑफ लैंड की देखभाल के लिए 2,000 रुपए का खर्चा और है, तो 2,000 रुपए का खर्चा आपको ये भी दिखाना पड़ेगा। और आपको दे रखा परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 10,000। अब स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग के लिए कुछ कहा नहीं है, 10,000 रुपए का आपका खर्चा है, तो बस वो पूरा का पूरा ही कंज्यूम हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग तो कुछ यूजलेस बता रहे हैं, यहाँ दे रखा है इन्होंने स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पर यूजलेस और उसका वैल्यू निल है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपका कंज्यूम हो गया है। टेलीफोन एक्सपेंसिस 3480 के हैं, वो आप यहाँ दिखा दीजिए। और देन क्लोजिंग बैलेंस कैश का दे रखा है 3,000 रुपए का, ये तो आपकी एसेट्स है, तो ये क्लोजिंग एसेट्स में 3,000 रुपए का एसेट्स आपको यहाँ बैलेंस शीट के अंदर 31 मार्च 1996 को दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा पेमेंट में और कुछ भी नहीं है, तो जितने भी पेमेंट से चीजें ना वो सब एक्सपेंडिचर में आती है, चेक करो, उससे इनकम में कुछ नहीं आएगा, ना ही उससे लाइबिलिटी में कुछ आएगा, क्योंकि पेमेंट किया तो या तो वो एसेट्स के लिए होगा या वो एक्सपेंडिचर के लिए होगा, ये बात तय है। अब आपको यहाँ कहा था डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो डेप्रिसिएशन के लिए एसेट दो हैं, फर्नीचर और लैंड, पर लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लग नहीं सकता, केवल फर्नीचर पे लगेगा। 2,000 का फर्नीचर है, 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 200 रुपए का डेप्रिसिएशन आपका लग जाएगा। रिमेनिंग 1,800 की एसेट जो है वो आपकी आ जाएगी फर्नीचर की क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अब आते हैं इनकम पर, रिसिप्ट्स पर। रिसिप्ट्स में कहता है ओपनिंग कैश आपका 3,180 है, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, और 3,180 का कैश आपका यहाँ आ गया, तो यहाँ क्लोजिंग कैश आ गया, यहाँ आपका ओपनिंग कैश आ गया, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको बैलेंसिंग पेयर में कैपिटल फंड निकालना होता है, इसलिए। आगे आपको कहता है सब्सक्रिप्शन है 18,000, और हम जानते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए एडजस्टमेंट अपन को करना पड़ता है, तो आपके लिए पूरा एडलेस करके आपको सब्सक्रिप्शन निकालना पड़ेगा, ये सब्सक्रिप्शन 18,000। अब ईयर के एंड में और बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन ये दे रखे, देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग दे रखा है 2,000, क्लोजिंग दे रखा है 1,000, तो 2,000 तो लेस हो जाएगा और 1,000 ऐड हो जाएगा। फिर रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग दे रखा है 500, ये आपका ऐड होगा, और क्लोजिंग दे रखा है 400, ये आपका लेस हो जाएगा। तो ये देखो ये सारे एडलेस यहाँ कर रखे हैं, ये देखो 1,000 ऐड कर रखा है, 500 ऐड कर रखा है, 2,000 लेस कर रखा है, 400 लेस कर रखा है, 17,100 का सब्सक्रिप्शन है, ये 17,100 आपने यहाँ दिखा दिए। आप चाहो तो ये सारा एडजस्टमेंट यहाँ भी कर सकते थे, वो इन्होंने वर्किंग नोट बना दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको कहता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,500 रुपए, रद्दी बेची है 2,500 रुपए मिल गए, ठीक है 2,500 रुपए की इनकम है आपकी, क्या दिक्कत है। लीगेसी 4,000 रुपए आपको मिला, तो लीगेसी लाइबिलिटी में आती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिए 4,000 रुपए लीगेसी आपको ये देखिए लाइबिलिटी में दिखा रखी, इन्होंने इसको कैपिटल फंड में जोड़ दिया है, तो ऑल्टरनेटिवली आप इसको अलग से भी दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको कैपिटल फंड में ऐड करें। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है 2,000 रुपए का,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है 2000 रुपए का, मिलना कितना चाहिए वो अपन को देखना पड़ेगा। ध्यान दें इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो 1 जून 1994 यानी इस साल से भी पहले किया गया, तो इसका मतलब हमारे इस साल में तो पूरे साल इन्वेस्टमेंट रहा ही है, तो फिर आपको 20,000 रुपए 12% 2400 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए और आपको मिला कितना है 2000 रुपए का, तो इसका मतलब 400 accrued हो गया। तो चेक करो आपने 2400 रुपए की अपनी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की इनकम दिखाई है, मिला 2000 है, तो 400 आपका एक्रूड बोल दो आउटस्टैंडिंग बोल दो कुल मिलाकर मिलना बाकी है, तो 400 रुपए आप एसेट में दिखाएंगे, ये रहा इंटरेस्ट एक्रूड या इंटरेस्ट ड्यू, 400 रुपए का इंटरेस्ट आपने यहाँ दिखा दिया है। आगे आपको कहता है इंडोमेंट फंड डिसीड हुई है 20,000 रुपए की, नाम से ही पता लग रहा है फंड है, तो फंड है तो लाइब्रेरी में ही आना चाहिए, ये रहा इंडोमेंट फंड लाइब्रेरी के अंदर 20,000 रुपए, ये भी हो गया आपका। फिर आपको कहता है प्रोसीड फ्रॉम स्पोर्ट्स कंसर्ट, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए कुछ करवाया आपने, 4020 रुपए आपको मिले, तो ये आपके लिए फायदा हो गया, तो ये 4020 रुपए आप यहाँ दिखा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर है एडवर्टाइजमेंट जो है ईयर बुक में छपवाए थे उससे आपको पैसा मिला, यानी क्लब जो है कोई एडवर्टाइज अपनी बुक छपवाता है ईयर बुक, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो देते हैं उससे पैसा चार्ज करता है, ये एडवर्टाइजमेंट चार्जेस के लिए इनकम हो जाता है 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए आप यहाँ इनकम में दिखा देंगे। और कोई एडजस्टमेंट यहाँ दे नहीं रखा, रिसिप्ट आपकी पूरी हो गई है, सब चीजें कंप्लीट हो गई, लैंड वगैरह पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं, सिर्फ 10,000 की 10,000 ही है, और कोई एडजस्टमेंट आपको दे नहीं रखा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन एरियर में और एडवांस जो आपको दे रखे हैं ओपनिंग 2000 और 500, तो 2000 आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ दिखाने और 500 आपको एडवांस यहाँ दिखाना, ये 2000 ये वाले 2000 है। इसके अलावा फर्नीचर और लैंड ओपनिंग आपको दे रखे हैं, ये वाले ये दे रखे फर्नीचर और लैंड, ये भी आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिए, और इन्वेस्टमेंट आप पिछले साल कर ही चुके थे 20,000 का, वो भी आपने दिखा दिया, टोटल कर दिया। अब इस टोटल में से लाइब्रेरीज का लेस कर दीजिए, ये टोटल कर लो, ये टोटल ही यहाँ आना चाहिए, उसमें से 500 लेस कर दो, तो ये ओपनिंग कैपिटल फंड आपका आ गया 36,680, क्योंकि यही आपका काम आएगा यहाँ, इसलिए पहले ये बनाकर फिर आपको ये इसको यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो ये बात अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए का दे ही रखा है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको दे ही रखे हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया तो बचा नहीं, उसकी वैल्यू नील हो गई है, स्पोर्ट्स रिसीट एडवांस 400 आपको दे ही रखा है, और लैंड 10,000 रुपए की आपको एसेट्स पे दे ही रखी है, तो ये सब चीजें आपने कर ली। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करने का टाइम आ गया है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड का टूल किया 55,900, यहाँ भी 55,900 होना चाहिए पर यहाँ कम आ रहा है, तो ये 24,880, इसको एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कह रखा है, वैसे इसको डेफिशिएंसी कहते हैं, इसको डेफिशिएंसी कहते हैं, ये इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा ही है, बेसिकली आपके लिए लॉस है, और लॉस है तो ये 24,880 लेस होगा कैपिटल फंड में से आके, यहाँ के लेस हो रहा है, लीगेसी इन्होंने ऐड की है, इसको यहाँ दिखा दिया। अब बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी के सारे आइटम अब आप लिख चुके हैं, टोटल आप करेंगे तो आपको इक्वल मिलेगा, इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका खत्म होगा।